दिस लाइफ स्टाइल विथ कुकिंग। सो आज मैं आपको मेरा होम टूर दिखाने जा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भारती जी आपका होम टूर या फिर आपका रूम टूर दिखाइए, तो मैं आज मेरा बेडरूम टूर दिखाने वाली हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि डीपली क्लीनिंग, हाउ टू क्लीन योर रूम, तो मैंने उसमें मेरा रूम में किस तरह से क्लीन करती हूँ, किस तरह से सफाई रखती हूँ, वो टिप्स और वीडियो जो भी ब्लॉग है मैंने अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और कुछ फीलिंग्स भी मैंने शेयर किया है। सो आज मैं मेरे बेडरूम टूर दिखाने वाली हूँ। होम टूर दिखाने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो मैं मेरे होम का सेक्शन वाइज आपको वीडियो में टूर करवाऊंगी, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है। तो मेरे होम टूर में फर्स्ट सेक्शन मेरे बेडरूम टूर करने वाली हूँ। तो बेडरूम में आपको दिखाने वाली हूँ मेरा बेडरूम कैसा है और किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो चलिए देर किसी बात की। तो सबसे पहले मैं बेडरूम का टूर यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा जो बेडरूम का थीम है वो रेड कलर में है और यहाँ पे हनी को मैंने काम दिया है, क्योंकि वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है वीडियो बनाते वक्त, तो वो ड्राइंग कर रहा है। तो सबसे पहले ये वाले कॉर्नर में मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे बेड के रिलेटेड यहाँ पे एक फ्रेम आया है, डेकोरेट पीस है, बहुत ही सुंदर लगता है और एंटीक भी है। तो ये बेड जो है इस तरह से बहुत सुंदर दिखता है, उधर से इधर से डिज़ाइन और बीच में वो फ्रेम दिया हुआ है। और ये वाले कॉर्नर में ये फ्रेम टूट गया है, बट मुझे ये फेंकने का मन नहीं कर रहा है फ्रेम, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बट इसे मैं जल्दी ही चेंज कर दूँगी। और ये और मेरे हस्बैंड, और ये फ्रेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वाली जो बीच है वो जू बीच है मुंबई में। और जब मेरा मैरिज हुआ था तो फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड के साथ मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, तो यहाँ पे हम लोग गए थे, फर्स्ट ट्रिप था वो। एंड ये वाला जो फ्रेम है, फ़ोटो है, मेरे कियांश का फर्स्ट बर्थडे का पिक है। एंड यहाँ पे जो है हमारा जो स्कूल है हैदराबाद में, उसका फर्स्ट टाइम हम लोग ने एनुअल फंक्शन किए थे, तो ये वो वाला फ़ोटो है। और ये भी कियांश के फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो है। तो यहाँ पे मेरी लाइफ में जो भी फर्स्ट टाइम मोमेंट क्रिएट्स हुए हैं उसको मैंने एक फ्रेम में कर दिया है, ताकि इसको देखे तो वो कुछ मेमोरीज रिक्रिएट हो जाए। और उसके ऊपर है एसी, और एसी के नीचे ये वाला फ़ोटो है, इसका मैंने ऑनलाइन रिव्यू भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। इस फ़ोटो के रिव्यू से ही मैंने मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो मेरा ये फ़ोटो फ्रेम फ़ोटो का ऑनलाइन रिव्यू था। तो ये जो फ़ोटो है वो मेरे हस्बैंड के बर्थडे में गिफ्ट की हूँ मैं, है ना, बहुत अच्छा है फ्रेम। ये जो बेबीज़ है वो किया जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने स्टिक किया था कि मतलब प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे देखने चाहिए। तो अभी तक मैंने इसे निकाला नहीं है, 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे ही रहने दिया है मैंने। तो ओवरऑल ये बेडरूम का कॉर्नर है, ये देखिए दूर से ऐसे दिखता है। सो यहाँ पे फर्स्ट में जाए तो यहाँ पे एक ड्रॉअर दिया हुआ है बेड के साइड में। यहाँ पे मेरा ड्रॉअर है, मैं इसमें चार्जर वगैरह, टैबलेट्स वगैरह सब रख देती हूँ। और ये टी स्टैंड है, यहाँ पे चाय वगैरह रखने के लिए यहाँ पे एक पानी का बॉटल रखी हूँ। एंड यहाँ पे भी एक बेबी है, उधर दो बेबी स्टिक किया हुआ है, देन आफ्टर यहाँ पे एक बेबी है। और यहाँ पे कियांश का स्कूल बैग है एंड मेरे हस्बैंड के डेली वेयर कपड़े में। देन यहाँ पे इस कॉर्नर में ये हमारा बेडरूम का डोर है, मेन डोर। उसके ऑपोजिट, सो मेन डोर के ऑपोजिट यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और लॉन्ग मिरर दिया हुआ है, देखिए कितना सुंदर व्यू है। और यहाँ पे छोटे छोटे गिफ्ट्स को डेकोरेट करके रखा हुआ है मैंने। ये जो है एक टाइप का ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर से नीचे तक मिरर दिया हुआ है और उसके नीचे 3 ड्रॉअर्स दिए हुए हैं।
और यहाँ पे पाउडर तेल वगैरह कोम वगैरह रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड के यहाँ पे रहता है परफ्यूम वगैरह, क्योंकि उनको थोड़ी जल्दी रहती है, सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सब रख देती हूँ उनके लिए। और यहाँ पे ये गिफ्ट से इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो गिफ्ट है ना, ये फर्स्ट वाला लाइटिंग वाला, वो मेरे हस्बैंड ने जब मतलब दूसरे दिन मेरी शादी थी, तो उससे एक दिन पहले ये वाला गिफ्ट मुझे दिए थे फर्स्ट टाइम जब मुझे देखने आए थे। एंड ये वाला भी गिफ्ट उन्होंने दिया है, ये भी मैं किया जिसको तोड़ दिया है, यहाँ पे रख दिया वही। तो ये गिफ्ट से जो मेमोरीज हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। एंड उसके नीचे जो ड्रॉर्स है, वहाँ पे मैं कियांश के कपड़े रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मेकअप सामान वगैरह कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमेशा निकाल के खेलने लगते हैं, फिर लगाने लग जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कियांश के कपड़े रख दिया है, और नीचे मेरे हस्बैंड के गारमेंट्स वगैरह रख दिया है, उसके नीचे मेरे हस्बैंड के रख दिए हैं गारमेंट्स वगैरह, और यहाँ पे कियांश के कपड़े रख दिए हैं, जो अगर उसे चेंज करना तो खुद ही ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने डेली वेयर के उसके निकर्स वगैरह रख दिया है। नाउ मूविंग अनदर सेक्शन, यहाँ पे इस तरह का एक प्लेस है। बेड के ऑपोजिट इतना स्पेस दिया हुआ है, और ये वाला जो डोर है वो मेन डोर है बेडरूम का। देन आफ्टर यहाँ पे एक मिरर है, और उसके बाजू में वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम, और उसके बाजू में और एक मिरर है। टोटल 3 मिरर है हमारे बेडरूम में, और यहाँ पे एक विंडो है सामने, और 3 कबर्ड्स दिया हुआ है। फर्स्ट वाले कबर्ड्स में मेरे हस्बैंड के सब कपड़े वगैरह रख देते हैं, तो मैंने इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। मैं फिर कभी कोई और वीडियो में मेरे कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। और ये कबर्ड्स में मैंने मेरे सभी हैवी साड़ीज़ और सिल्क साड़ीज़ हैंगिंग करके रखा हुआ है। सिल्क साड़ी कलेक्शन के ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन से। और यहाँ पे मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स और ज्वेलरी सब इसमें रखा हुआ है 2 ड्रॉअर में, और यहाँ पे हैंड बैग्स रखे हुए, ऊपर भी हैंड बैग्स है। देन अनदर कबर्ड में यहाँ पे पार्टी वेयर हैवी लहंगा घाघराज वगैरह रखा हुआ है, और नीचे कियांश के कपड़े रखे हुए हैं। इस ड्रॉअर में रेडीमेड ब्लाउजेज़ वगैरह रख दिया है मैंने, तो ये ड्रॉअर्स 3 हैं। और ये अटैच्ड वॉशरूम है, यहाँ पे रेड कलर के टाइल्स से डेकोरेट किया हुआ है, ताकि जो बेडरूम का थीम है उससे मैच हो जाए। और सिंक के ऊपर एक येलो कलर लाइट दिया है, और इसमें सब बाथरूम के रिलेटेड, वॉशरूम के रिलेटेड शैम्पू वगैरह सब इसमें रख देते हैं प्रोडक्ट्स। और सामने शॉवर है, और एक विंडो है। ये वॉशरूम का व्यू है, और ये डोर है वॉशरूम का। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने दिखा है ना, ये जो फोटो फ्रेम है ये वाली रेड कलर का, वो हमारे बेडरूम में एक हाईलाइट पॉइंट दिखता है। देखिए बहुत ही सुंदर फोटो है, और उसके ऊपर जस्ट 4-5 लाइट्स दिए हुए हैं येलो कलर के, देखिए वो भी बहुत अच्छा दिखता है। उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिरर में देख सकते हो। और यहाँ पे POP, आप देखिए POP का डिज़ाइन, ये मेरा रूम है। और जस्ट मैं आपको ये लाइट्स बंद करके दिखाती हूँ, मेरे ये लाइट्स किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। गाइज यही था मेरा रूम टूर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा जो बेडरूम है आपको कैसा लगा, और मेरा जो रूम है वो आपको कैसे लगा, इसका डिज़ाइन वगैरह मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।